तो दोस्तों, ये है वो मेडिसिन जो कि मैं पिछले मे बी 5 या 6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और ये कुछ चेक्स लिए थे मैंने, आई थिंक थोड़ी बहुत ग्रोथ तो हो रही है इनकी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इधर भी है, 20 से 1 चिप्स है ये। ये ब्रीडिंग भी हो रही है अच्छी खासी। ये मटकी में तो 3 बच्चे हैं, और इधर वाली ये फीमेल अंडे पे थी, और कुछ अंडे मैंने अभी मतलब और दूसरे सेटअप से लेके आए। और इधर भी वो बच्चा है, और ये कुछ ब्रीडिंग पेयर है मेरे घर के। ये है वो मेडिसिन, और हमारे एक जाफर सर है, उनके बोलने पे मैंने ये यूज़ किया। उनसे पूछा था कि भाई जाफर सर, मेरे ऑलरेडी ब्रीडिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, मगर बच्चे नहीं बच रहे, ठंडी के कारण, बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो उन्होंने बोला एक चाइना क्यू करके एक मेडिसिन है, वो एक आप दीजिए। और मैंने इसे 5 या 6 दिन यूज़ किया है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और जो मैंने चेक्स लिए थे, और जो कि आपको बैक साइड दिख रहे हैं, वो भी बहुत ही सुस्त हो गए थे, बहुत फूले फूले हो गए थे। तो ये देने से मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे ख्याल से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी ये वीडियोस देख रहा है, ये चाइना क्यू आपको देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देना कैसे है मैं आपको पहले तो ये बताऊँ। ये दवा जो है होम्योपैथिक के, इसे अगर आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा भी दे दें तो बहुत ही कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा ये जो केज है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हार्डली मे बी 30-40 बर्ड्स तो होंगे ही। और मैं पानी इनको इसमें देता हूँ, जो कि मेरा एक ये है, इस तरह का नीडल है जिससे मैं पानी इनको यूज़ देता हूँ। और ये जो बोतल है 1/2 लीटर की है। अगर आपके पास छोटा केज रहा और आप मतलब छोटे पॉट में देते हो, ये साइज़ के पॉट में, तो उसमें ये इसके 4 या 5 ड्रॉप डालिए। और ऐसा है तो इसमें 5 या 6 ड्रॉप जैसे मैं आपको डाल के ही बता देता हूँ, कुछ नहीं, बट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जाफर सर ने मुझे ये भी बोला था कि ज़्यादा ड्रॉप हो भी गए तो इतना कुछ मसला होगा नहीं बर्ड्स में, क्योंकि होम्योपैथिक की दवा है। और ये देने का तरीका अभी तो मैं फ़िलहाल ये दिखाने के लिए बताया हूँ। और आपको ये देना कैसे है, देखिए ये कहना ही केज है, और पानी देने का ये एग्जांपल है कि पानी आप जो है रात में निकाल लीजिए, क्योंकि रात भर मानी ये मैं खुद यहाँ से हर रात में 9-10 बजे ये पानी यहाँ से निकाल लेता हूँ, फिर सुबह 10 बजे के आसपास पानी वापस से देता हूँ, क्योंकि पानी रात भर में ठंडी के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये चीज़ कई सारे लोग नहीं देते, रोज़ आपको ये करना है, रात में 8-9 बजे पानी हटा देना है अपने केस से, या आप जहाँ भी अपने बर्ड्स रखे हो, और सुबह आपको 10 बजे देना है पानी, थोड़ा बॉयल करा हुआ पानी, थोड़ा बॉयल करके ही दीजिए, क्योंकि अच्छा होता है। ज़्यादा भी बॉयल मत कीजिए, कुनकुना टाइप। और दवाई कैसे देंगे आप, रात में तो पानी निकाल लोगे 8-9 बजे, दवाई आपको सुबह देनी है 10 बजे पानी में मिला के। आप 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप भी डाल दीजिए, ज़्यादा भी हो गया तो इतना कुछ मसला वो नहीं होगा इन पे। और दवाई में जो वो पानी रहेगा, पानी में जो मिला के वो दवाई दोगे, वो आपको मे बी 8 या 9 घंटे से उनको देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा कैसे, मैं जैसे अभी तो मैंने ये शाम की 4 बज रही है, तो मैंने ये अभी दे दिया है। और आपको ये करना है कि 10 बजे आपने पानी में मिला के दवाई दे दी, तो आपको शाम को 5 या 6 बजे उसको निकाल के एक फ्रेश पानी देना है, तो वो पानी हटा देना है। और वो फ्रेश पानी 6 बजे से लेके, फॉर एग्जांपल अगर 5 बजे आप हटा देते हो, तो 9 बजे वो पानी हटा देना है। फिर रात भर केज में पानी नहीं रहना चाहिए, और सुबह 10 बजे आप दूसरे दिन फिर उसमें पानी में दवाई मिला के दे सकते हो। आपको हर दिन ये प्रोसेस करनी है जब तक ठंडी नहीं हो। और किसी के घर में फॉर एग्जांपल बर्ड्स बीमार दिख रहे हैं, बहुत ही ठंडी से बच्चे उनके मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो बहुत हो रहे हैं, फिर भी वो मर रहे हैं, तो ये दवाई ज़रूर दीजिए। चाइना क्यू करके होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी दवाई है, और ये प्रॉब्लम हर किसी घर में हो रही है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, कंटिन्यू 7 दिन आपको ये देना है, और कैसे देना आपको बता दिया मैंने। सुबह निकालना मतलब रात में
पानी आपको कैसे हटाना है, 9-10 बजे सुबह देना है दवाई, 10 बजे 9-10 बजे आपने रात में पानी हटा दिया और सुबह आपको देनी है 10 बजे दवाई मिला के पानी, और फिर वो शाम तक 6 बजे तक रहने देना हो, शाम के 6 बजे के बाद 6 से रात के 10 बजे तक फ्रेश पानी देना हो, फ्रेश पानी को हटा के और फिर सुबह अगले दिन सुबह वो ही आपको दवाई वाला पानी देना है। आप 1 लीटर रखो या 10 लीटर, 1 लीटर में 8 या 9 ड्रॉप, और आपके चिक्स बहुत ही मर रहे हैं और फूले बैठे हैं तो कंटिन्यू 7 दिन तक आपको देनी है, जैसे कि हमारे जाफर सर ने हमें बताया है और मैंने तो ये अप्लाई भी कर दिया, क्योंकि ये जो चिक्स आया था मुझे कुछ बीमार लग रहे थे, थोड़े फूले हुए थे, ठंडी बहुत ही ज़्यादा थी और जगह चेंज हुई थी, तो अभी सारे के सारे फ्रेश है और नॉर्मल जिनके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो उनको भी ये दवाई देनी है और वही प्रोसेस करना है, बट थोड़ी चेंजेस है कि हफ्ते में 4 दिन आपको ये देनी है, ठीक है ना। जैसे कि आप कुछ प्रॉब्लम हो तो 7 दिन कंटिन्यू दीजिए, फिर कंटिन्यू देने के बाद बंद मत करिए, और 4 दिन फिर हफ्ते में 4 दिन दीजिए, 1 दिन छोड़ के 4 दिन, एक दिन के आड़ में वही ऐसी प्रोसेस आपको करनी है, तो उससे क्या होगा आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी होंगे, जैसे कि हमको जाफर सर ने बताया है, अगर आपके ब्रीडिंग भी हो रही हो अच्छी खासी तो उसके भी कोई मसले नहीं है, तो ये ब्रीडिंग पेयर के लिए भी अच्छा रहेगा और जो आपके चिक्स रहेंगे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और आपको खुद एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैंने तो पहले अप्लाई किया फिर सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि कैसा रिज़ल्ट होता है, तो आपके जो चिक्स और ब्रीडिंग पेयर है वो सारे के सारे हेल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सुस्त नहीं बैठेंगे। ठंडी के लिए ये दवाई बहुत ही ज़रूरी है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम इस दवाई में ये है कि ये किसी भी मेडिकल पे इतना इजीली मुझे नहीं मिल रही है। ये देखिए, एक मैं फोकस करके आपको बता देता हूँ। देखिए, चाइना क्यू चिंचोना ऑफिशियल होम्योपैथिक की ये दवाई है और मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है। जो लोग नागपुर में रहते हैं उनको मैं एड्रेस बता देता हूँ, और ये जो है अपना बर्डी में जो मोबाइल शॉप ज़्यादा वो लाइन में जो मोबाइल शॉप है जहाँ पर मोबाइल अच्छे मिलते हैं, वो शॉप उसी लाइन में एक होम्योपैथिक का मेडिकल है, वहाँ पर आप जाके होम्योपैथिक का मेडिकल किसी से भी पूछेंगे वो आपको इजीली बता देंगे। और जिन लोग नागपुर में नहीं रहते हैं उनके लिए एक मैंने ढूंढ के रखा है, एक ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक तो नहीं मैं दूंगा, उसका जो ऐप 1MG करके एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए, 1MG का ऐप करके है, और क्योंकि वहाँ की सारी मेडिकल मेडिसिन से मिल जाती है वहाँ पर अवेलेबल है ये, वहाँ पर जाइए ऐप, पहले तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ का वन एम जी करके ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए, और उस पर कुछ साइन अप का ऐसा कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन मांगेगा मोबाइल वोबाइल से जो कि कॉमन है वो जो कि मिलता है, और चाइना क्यू करके डालिए, कुछ डिलीवरी चार्जेस है, और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है एक ये कि बहुत ही कॉस्टली दवाई है, 220 रुपये की ये एक बॉटल है, जो कि जिनके पास 2 या 4 पेयर होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इतने महंगी दवाई लेना, या आप अपने किसी दोस्त से शेयर भी कर सकते हो जिसके पास बजरी हो तो आप शेयर कर सकते हो 110 रुपये मिला के, अगर आप शॉप से ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन आपको ये 250 रुपये की मिल रही है, मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी, 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस उसमें इंक्लूड है, तो वहाँ से ले लीजिए, और जितना जल्दी हो सके मेरे ख्याल से आपको ये अपने बर्ड्स को दे देना चाहिए जिनके बर्ड्स फूले हैं, और बच्चे स्पेशली जो कि अंडे से निकल रहे हैं और मर जा रहे हैं उनको एक मेरे ख्याल से दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे रिजल्ट जो मिला है बहुत ही अच्छा मिला है। मेरे कई सारे बहुत सारे चिक्स इस बार ठंडी बहुत ही ज़्यादा थी तो उसमें मर गए ये डालने के बाद, अभी तो 5 या 6 दिन से एक भी बर्ड से नहीं मरा है, और ये जो चिक्स मैं लाया था वो भी फूले बैठे थे अभी भी, तो अभी इनका कुछ नॉर्मल है, और जाफर सर ने हमें ये बताया था कि इससे बर्ड्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बर्ड्स हेल्दी होता है, तो मेरे ख्याल से ये एक मेडिसिन है जो कि इजिली अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जिनको नहीं मिल रहा है मेडिकल शॉप पे 1MG करके ऐप है वहाँ से लाइए, या मेडिकल शॉप से मिला तो बहुत अच्छी बात है, आपके 50 रुपये
बच जाएंगे। एंड जल्दी से जल्दी दीजिए, उतना जितना जल्दी आप दे सको उतना बेटर होगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा लेट बनाया क्योंकि मुझे खुद इस पर एक ट्रायल लेना था कि भाई एक्चुअल में ये कितना अच्छा रिजल्ट देती है। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला मुझे, और तो मैं तो यही कहूँगा जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए चाइना क्यू, होम्योपैथिक की दवा है। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आगे कुछ चिक्स से रिलेटेड मुझे पता चला, और मुझे कुछ पहले तो मैं जो भी चीज़ पता चलती है उसे खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ फिर ही बताता हूँ। तो होप ये वीडियो अभी आपको बहुत अच्छी लगी हो, और जल्दी से जल्दी लाइए। वीडियो अच्छी नहीं लगी आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर भी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो ये मेडिसिन का यूज़ आप कर लीजिए। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।